21 जनवरी 2021 ये वो तारीख थी जब सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन था। ऐसा पहली बार हुआ 35 सालों में जब सुशांत सिंह राजपूत की जन्मदिन की तारीख तो आई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हम सबके बीच में नहीं थी अपने इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम करने वाले हैं एक और चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर सुशांत के फैंस सामने आए थे, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे सामने आई थी, सुशांत की बहनें सामने आई थी, सुशांत के पिता सामने आए थे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर। रेहा चक्रवर्ती जिन्हें लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें अब सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई जा रही है कि कुछ अलग अंदाज से सुशांत के बर्थडे को मनाती नजर आएंगे रेहा चक्रवर्ती। क्या है पूरी खबर रेहा को लेकर, देखिए रिपोर्ट। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, यूं तो खुश रहा मगर कुछ रह गया बाकी। फक्र भी किया रे मौला, इल्म भी लिया रे मौला, जिंदगी जिया मगर कुछ रह गया बाकी। तू नहीं दिखा रे मौला, सब नहीं बेकार मौला, पर जहां रुका वहां पे छाप है खाली। तो ये था गाना, और इस गाने को हमने डेडिकेट किया है सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद वाकई इश्क में जो दर्द मिला है वो रिया चक्रवर्ती को मिला है, और इस दर्द में उन्हें ना तो कोई मौला दिखाई दे रहा है ना ही कोई राह। और इस बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है, कई सारे सवाल भी रिया चक्रवर्ती को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर रिया कहाँ है। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है। ये बात आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन 21 जनवरी को था, जहां पर सुशांत के इस बर्थडे पर हर कोई सामने आया था, लेकिन सभी को इंतजार था सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। लेकिन ऐसे में अब खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को अलग अंदाज में रिया चक्रवर्ती सेलिब्रेट करेगी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर फैंस के दिलों में हमेशा सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत जिनका 21 जनवरी को जन्मदिन था, फैंस उनके बर्थडे की तैयारी में लगे थे, तो सोशल मीडिया पर एक दिन के लिए 1J4SSR बर्थडे भी ट्रेंड किया। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत की कुछ थ्रोबैक तस्वीरों को भी पोस्ट किया और उनके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बता दें कि एक फैन ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा शख्स ना तो इस दुनिया में कभी आया था ना ही कभी आएगा। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही था जिन्हें हम जानते थे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे सेलिब्रिटी के तौर पर। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसे करेगी सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन की तैयारी। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के जन्मदिन से पहले फूलों को खरीदते कैप्चर किया गया था। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद रिया चक्रवर्ती सुशांत के बर्थडे पर कुछ खास करने जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर थी। आखिरी बार रिया चक्रवर्ती ने 27 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी। उसके बाद से ही अभी तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट रिया ने शेयर नहीं किया। रिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि अब रिया अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने 14 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया था, और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती सामने आई है। रिया चक्रवर्ती जब उन्हें फूल खरीदते हुए देखा गया तो सभी को लगा कि शायद कुछ खास अंदाज में सुशांत को फिर से याद करती हुई नजर आएगी रिया चक्रवर्ती, और किसी खास अंदाज में रिया चक्रवर्ती सुशांत के इस बर्थडे को सेलिब्रेट भी करेगी। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जिनका बर्थडे बीत चुका है, 21 जनवरी की डेट जा चुकी है, 22 जनवरी भी बीत चुका है, आज तारीख है 23 जनवरी, और उसके बावजूद भी रिया से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई कि रिया ने सुशांत के लिए कुछ किया हो खास।
अब सभी का सवाल रिया चक्रवर्ती से ये है कि आखिर रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के लिए फूल खरीदती नजर आई थी, वो रिया कहाँ चली गई? आखिर रिया ने अभी तक सुशांत के लिए कोई भी पोस्ट क्यों नहीं की? दरअसल सवाल अब ये भी आ रहा है कि जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जाने के एक महीने बाद अपने व्हाट्सएप डीपी को चेंज किया था और डीपी में अपनी और सुशांत की फोटो को डिस्प्ले किया था, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। फैंस ने ये बात कह दी थी कि रिया चक्रवर्ती अब खुद को सही साबित करने के लिए और सुशांत सिंह राजपूत से सच्चा प्यार करती थी ये बताने के लिए इस तरह के कारनामे कर रही है, और इसी वजह से लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे के लिए ही फूल खरीदे हो और वहां पर उन्होंने घर पर सुशांत के लिए पूजा भी करवाई हो, लेकिन इस पोस्ट को और इस वीडियोस को या इन तस्वीरों को रिया ने अपने किसी भी इंस्टा अकाउंट पर या सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं किया है, क्योंकि रिया नहीं चाहती थी कि वो दोबारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई पोस्ट करे और जिसकी वजह से उन्हें फिर से ट्रोलिंग का सामना करना पड़े, और इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती इन सभी बातों से रह रही है दूर और कर रही है कोशिश इन चीजों से बचने की। हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मिस किया हो, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर पूजा करवाई हो या सुशांत के नाम पर इन रेड रोजेस को चढ़ाया भी हो, लेकिन ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई भी पोस्ट ना करना रिया चक्रवर्ती के लिए ट्रोलिंग बन रहा है, और अगर रिया चक्रवर्ती पोस्ट कर भी देती तो अभी रिया चक्रवर्ती को ट्रोल किया जाता कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उसके लिए भी रिया चक्रवर्ती को ट्रोल किया जाता, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने अभी तक सुशांत से जुड़ा कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। तो बातें कई सारी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ही गलत है या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को याद नहीं किया। खबर ये भी हो सकती है कि रिया चक्रवर्ती ने, हो सकता है, सुशांत को याद किया हो, लेकिन वो ये चीज शो ऑफ ना करना चाहती हो कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को किस अंदाज में मिस किया, क्योंकि अगर रिया ये बातें शेयर करती तो एक बार फिर से रिया को ट्रोलिंग का ही सामना करना पड़ता। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट रिहा चक्रवर्ती को लेकर, जिसे लेकर हमने किया चौंकाने वाला खुलासा। हमने आपको बताया कि आखिर कौन कौन सा पहलू यहाँ पर जुड़ता जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती किस अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे को करेगी सेलिब्रेट और किस अंदाज में सुशांत को देगी श्रद्धांजलि। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।